हेलो फ्रेंड्स, अगर हम गाड़ी को बाहर पार्क करते हैं तो हम इस तरह के वाटर मार्क्स देखते हैं अपने मिरर पे जो आसानी से नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के स्टेन्स को कैसे साफ़ करना है। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं इसे हटाने का 3M के शैम्पू के साथ, और उसके बाद मेरे पास एक और केमिकल है, मैं उसको यूज़ करके दिखाऊँगा कि ये किस तरह से साफ़ होता है। तो सबसे पहले ग्लास को 3M से हम धो लेते हैं। वीडियो थोड़ा शेकी रहने वाला है क्योंकि मैं एक ही हाथ से काम कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने शैम्पू ले लिया। अब इसे अच्छी तरह से शैम्पू से साफ करता हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये अभी भी पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ और यहाँ यहाँ पे हमें स्टेन्स पानी के दिख ही रहे हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको पूरा स्टेन दिख रहा है जो कि नहीं गया है, है ना? अच्छा, तब इसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्लास पॉलिशिंग पाउडर। ये किसी भी ग्लास की दुकान पे आपको मिल जाएगा। ये वाइट कलर का आता है। अगर आप अमेज़ॉन पे देखेंगे तो सीरियम ऑक्साइड के नाम से भी ये चीज़ मिलती है। तो हमें थोड़ा सा जो कपड़ा हम यूज़ करेंगे उसको थोड़ा पहले गीला कर लेते हैं। और गीला करके ये पाउडर हम लेंगे, इसको थोड़ा थिक पेस्ट के जैसा बना लेंगे और इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से रब करेंगे। सेम प्रोसेस हम दूसरे वाले मिरर के साथ भी करने वाले हैं। और इसे लगाने के बाद इसको थोड़ा देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद फिर कपड़े के दूसरे सिरे से इसे बफ करके हटाएंगे। अब इसे हम पानी से धो लेंगे। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको हमने धो लिया है और ये अब सूख भी गया है। तो एक दो स्टेन्स हैं जो यहाँ पे हैं, है ना, बाकी सारे स्टेन्स जो हैं चले गए हैं। तो इसी प्रोसेस को हम एक बार और रिपीट करेंगे ना, तो ये सारे स्टेन्स चले जाएंगे। इस मिरर का भी हाल हम देख लेते हैं। इसे हमने सूखने के लिए छोड़ा था,
इसे आप बफ करके पानी से धो लेंगे। ये देखिए ये नया जैसा हो गया एकदम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये ट्राई करिए। अगर आपको ये ग्लास क्लीनिंग पाउडर नहीं मिलता है आपके एरिया में, तो आप इसके जगह पे रबिंग कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।